नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की, और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। विनेश फोगाट ने कुश्ती से लिया संन्यास, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, आपका सपना मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब पेरिस ओलंपिक में इतिहास बनाने से सिर्फ एक कदम दूर नीरज चोपड़ा, लगातार दूसरी बार गोल्ड पर रहेगी नजर। वहीं कांस्य पदक के लिए भारतीय हॉकी टीम का स्पेन से होगा मुकाबला। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को किया संबोधित, कहा भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में की उल्लेखनीय प्रगति, शिक्षा को बताया सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण का माध्यम। लोकसभा में आज पेश होंगे वक्फ से जुड़े दो बिल। 1955 में बने वक्फ कानून में 40 से ज्यादा संशोधनों का प्रस्ताव, विपक्ष की मांग, संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए बिल। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने आज श्रीनगर पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम, राजनीतिक दलों के साथ होगी बैठक, सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव के लिए 30 सितंबर तक की डेडलाइन। मौद्रिक नीति समिति में लिए गए फैसलों की घोषणा आज, नीतिगत दरों में बदलाव होंगे या नहीं, आज उठेगा पर्दा। और अंतरिम कार्यवाहक पद की शपथ लेंगे मोहम्मद यूनुस, हिंसा के दौर से गुजर रहे बांग्लादेश में हालात अब भी नाजुक। तो ये थी सुबह की सुर्खियां, और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। पेरिस ओलंपिक में अयोग्य करार दी गई भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी है। आज सुबह ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। विनेश ने अपनी मां को याद कर लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत टूट चुकी है, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब विनेश ने अपने अब तक के सफर के लिए सबका आभार भी जताया और कहा कि इसके लिए वो हमेशा ऋणी रहेंगी। विनेश का कुश्ती को अलविदा कह देना उनके फैंस को चौंका रहा है, क्योंकि ओवरवेट होने के कारण फाइनल नहीं खेल पाने की पीड़ा के बाद उन्होंने कोई ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ स्पोर्ट्स में खुद के लिए सिल्वर मेडल देने की अपील की, जिस पर आज फैसला भी आ सकता है। वहीं पेरिस ओलंपिक में आज भारत के लिए अहम दिन है। आज के मुकाबलों की बात करें तो नीरज चोपड़ा पर सभी की निगाहें रहेंगी। भारत के स्टार भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा देर रात ओलंपिक में लगातार दूसरे स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगे। नीरज ने क्वालिफिकेशन में दमदार प्रदर्शन किया था और पहले ही प्रयास में 79.34 मीटर का थ्रो कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम आज कोलंबस के यूवेस टू मैनहुइड स्टेडियम में कांस्य पदक के लिए स्पेन से भिड़ेंगी। भारत लगातार दूसरी बार कांस्य पदक के लिए मुकाबला खेलेगा। हॉकी रैंकिंग में 5वें स्थान पर काबिज भारत को मंगलवार को सेमीफाइनल में दुनिया की दूसरे नंबर की टीम जर्मनी से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा गोल्फ में अदिति अशोक और दीक्षा डागर महिलाओं की इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले के दूसरे राउंड का मैच खेलेंगी।
दीक्षा डागर पहले राउंड के बाद स्टैंडिंग में T7 स्थान पर हैं, जबकि अदिति अशोक ने पहले राउंड में T13 स्थान पर रही। वहीं पेरिस ओलंपिक में आज भारतीय एथलीट ज्योति याराजी महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ के रैपचेस राउंड में उतरेंगी। याराजी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए रैपचेस राउंड में भाग लेंगी। वो ओलंपिक में 100 मीटर हर्ल्स दौड़ने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट हैं। कुश्ती में भारत की अंशु मलिक महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग के अंतिम 16 में मैच पर उतरेंगी। अगर वो जीतती हैं तो आज ही क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल का मैच भी खेलेंगी। वहीं पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में भारतीय पहलवान अमर सहरावत प्री क्वार्टर फाइनल में चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगे। अगर वो मुकाबले को जीतते हैं तो आज ही क्वार्टर फाइनल भी खेलेंगे। इस मुकाबले को जीतने के बाद वो सेमीफाइनल मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ लेते हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है। राष्ट्रपति ने यहां शिक्षा के उद्देश्य को उजागर करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति की आधारशिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में ज्ञान एक आंतरिक खोज रही है और भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान भारत कहा कि भारत 21वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति के साथ बढ़ती साक्षरता पर भी प्रकाश डाला। एजुकेशन इज नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल एंडेवर बट ऑल्सो ए व्हीकल फॉर सोशल चेंज एंड नेशन बिल्डिंग। एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव एंड टच ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स लाइफ, be it economic, intellectual, artist, economic, social or spiritual. Education in our society to create leaders, thinkers, guides, protectors and keepers of the conscience of society. Education is the cornerstone of a nation's progress and advancement. वहीं न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को माओरी कला को दर्शाने वाला मोमेंटो भी प्रदान किया गया। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संसद के सत्र की, जहां लोकसभा में आज दो विधेयक पेश किए जाएंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024। दोनों ही विधेयक केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पेश करेंगे। इसके साथ ही सदन में दो विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होंगे। ये विधेयक हैं भारतीय वायुयान विधेयक 2024 और गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024। इसके साथ विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न भी पूछे जाएंगे। वहीं लोकसभा के अलावा राज्यसभा की अगर हम बात करें तो उच्च सदन में एक विधेयक वापस लिए जाने और दो विधेयक विचार और लौटाए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल है। राज्यसभा में वक्फ संपत्ति अपराधिकृत अधिभोगियों की बेदखली विधेयक 2024 वापस लिया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर विनियोग संख्याक 3 और 2 विधेयक 2024 विचार किए जाने के बाद लौटाए जाएंगे। इसके साथ ही विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और इसी सिलसिले में चुनाव आयोग की टीम आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रहेगी। यहां टीम चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके साथ ही आयोग के अधिकारी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक परामर्श के अलावा टीम विभिन्न जिलों के मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक समेत नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगी।
और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी शरद मुद्गल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।